हेलो एवरीवन, दिस इज राम और आप देख रहे हैं रीथिंक आवर वर्ल्ड। और पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाइए इस वीडियो के साथ में। मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में आपको। पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो साइंस फिक्शन मूवीज़ होती हैं उसमें बहुत सारे रोबोट्स को आपने फाइट करते हुए देखा होगा, बहुत मज़ा आता है। बट एक्चुअल में भी रोबोट्स होती हैं और ये रोबोट्स वैसी नहीं होती, इनके हाथ पाँव रोबोट्स की नहीं होते हैं, बट वो रोबोट्स फाइट करते हैं। कैरिना WWE तरह का बनाया जाता है और उस रोबोट में वो विनर होता है, रोबोट जो लास्ट टिका रहता है। तो चलिए देखते हैं इस रियल रोबो वॉर को। हे गाइस, आप लोगों ने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे को लोगों को लगाते हुए भी देखा होगा, काटते हुए भी देखा होगा। बट लोग कहते हैं ना कि पेड़ों को काटते हैं तो दर्द होता है। हाँ, एक्चुअल में पेड़ों को दर्द होता है। एक USA में एक पेड़ मिलता है जिसका नाम है ड्रैगन ब्लड ट्री, जिसको काटते हैं तो उसमें से ब्लड निकलता है एक्चुअल में। तो आपको मैं दिखाता हूँ इस ड्रैगन ब्लड ट्री को, चलो देखते हैं। Color when it cut, and although this looks like blood, you're only looking at water and sap. The most notorious tree for producing this color is called the dragon's blood tree, which can be found in northern Africa. Incroyable, cet arbre, il saigne. Fascinant. गाइस, आप लोगों ने स्विमिंग पूल तो देखे होंगे और उसमें आप लोगों ने नहाया भी होगा, स्विमिंग भी किया होगा। बट मैंने नहीं नहाया है क्योंकि मैं कभी स्विमिंग पूल में मैं गया भी नहीं हूँ मैंने। बट नहरों में और नदियों में ज़रूर नहाया है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक ऐसा स्विमिंग पूल दिखाता हूँ जिसमें आप अगर जाओगे तो आप बिल्कुल भी गीले नहीं होने वाले, क्योंकि ये स्विमिंग पूल मेरे फेवरेट मार्क रॉबर ने बनाया है। और इस स्विमिंग पूल की ये खासियत है कि आप इसमें अगर स्विम करोगे तो आप गीले तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले। एक टेक्नोलॉजी टाइप के स्विमिंग पूल है। तो चलो देखते हैं इस रेत से भरे स्विमिंग पूल को। हाँ, आपने sitting in a hot tub filled to the brim with solid sand. This is one of the coolest things ever. If you take a tub of sand like this and then add air in just the right way, it basically becomes a liquefied soup. ये हमारे लवी डवी प्यार मोहब्बत वाले दोस्तों के लिए, जब पहले के ज़माने में जब ये मोबाइल फ़ोन्स चैट और ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तब लोग अपनी मोहब्बत जाहिर करते थे प्रेम खत लिखकर। तो एक बंदे ने ऐसा ही एक लव लेटर लिखा है, बट उसने अपने आंसुओं से उस लव लेटर को स्टैम्प किया है, पूरा अच्छे तरीके से बंद किया है। तो बहुत ही मोहब्बत झलक रही है। तो चलो आपको दिखाता हूँ इस बंदे की। That uses his tears to help him mail a letter. बहुत तरह के अलग अलग तरह के डांस देखे होंगे, बट एक जो मैं डांस दिखाने वाला हूँ आपको, वो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि वो डांस ज़मीन पे नहीं होता है, वो डांस हवा में होता है। तो ऐसा ही एक डांस है जिसको एरियल डांस बोलते हैं वो लोग, वो हवा में डांस होता है, बट रस्सियाँ बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती। आप सोच रहे हो कि रस्सी से बांध के उड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें एक हवा का ही एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है जिससे कि लोग हवा में डांस कर पाते हैं।
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए आपको दिखाता हूँ ये एरियल डांस।